Hello students, good morning. I hope you all are good and healthy. So, welcome to Gyan Ganga Vidyalay online class. And students, I am your computer teacher and my name is Vajat Kirti. So dear students, today we will learn about standard 1 subject computer in that chapter number 1. What is a computer? So dear students, let's start our first chapter, what is a computer? So the first question is that, do you know what a computer is? Aapko pata hai computer kya hai? No? Okay, now I'm telling you, okay? A computer is a machine. Computer kya hai? Ek मशीन है. अ मशीन इज मेन मेड थिंग. और जो मशीन होते हैं वो क्या होते हैं? मेन मेड थिंग मतलब उसे कौन बनाता है? मैन बनाते हैं, इंसान बनाता है. तो कंप्यूटर भी उसी की तरह एक मशीन है कि उस जिसको इंसान ने बनाया है. सो हियर इन दिस पिक्चर यू कैन सी दिस इज कंप्यूटर, स्पीकर्स, कीबोर्ड, सीपीयू एंड माउस. ओके, एंड दिस ऑल आर द पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर. सो टुडे इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट व्हाट इज नेचुरल थिंग्स एंड व्हाट इज मेन मेड थिंग. ओके, सो डियर स्टूडेंट्स, बिफोर स्टार्ट दिस टॉपिक आई विल टेल यू व्हाट इज नेचुरल थिंग्स. ओके, सो व्हाट इज नेचुरल थिंग्स? द आंसर इज दैट नेचुरल थिंग्स आर नेचर्स गिफ्ट एंड दिस थिंग्स कैन नॉट बी क्रिएटेड बाय ह्यूमन बीइंग. सो नेचुरल थिंग्स क्या होते हैं? जो हमें नेचर से हमें गिफ्ट मिलता है उसे हम नेचुरल थिंग्स कहते हैं. और दिस थिंग्स कैन नॉट बी क्रिएटेड बाय ह्यूमन. और ये जो नेचुरल थिंग्स होते हैं उसे कोई भी ह्यूमन क्रिएट मींस कोई भी ह्यूमन उसे बना नहीं सकता है. कोई भी इंसान नेचुरल थिंग्स को बना नहीं सकता है. वो हमें नेचर से ही गिफ्ट मिलता है. ओके, सो इन दिस पिक्चर यू कैन सी ट्री. सो ये नेचुरल थिंग्स का एग्जांपल है. ट्री को हम नेचुरल थिंग्स में काउंट करते हैं बिकॉज ट्री को कोई इंसान नहीं बनाता है. ओके, ये हमें नेचर से ही प्राप्त होता है. नेक्स्ट इज ब्रिंजल. नेक्स्ट फिश. नेक्स्ट बर्ड. नेक्स्ट सन एंड माउंटेन. तो ये सारी जो चीज़ें हैं यहाँ पर आपको दिखाई गई है वो कोई भी इंसान उसे बनाता नहीं है. वो हमें नेचर से ही प्राप्त होती है. तो इसी तरीके से आपको मैं और फोटोज दिखाऊंगी ताकि आपको अच्छे से समझ में आए कि नेचुरल थिंग्स क्या होते हैं. ओके, सो डियर स्टूडेंट्स, अवर नेक्स्ट टॉपिक इज मेन मेड थिंग्स. सो व्हाट इज मेन मेड थिंग्स? मेन मेड थिंग्स मीन्स द थिंग्स विच इज क्रिएटेड बाय ह्यूमंस. मेन मेड थिंग्स किसे कहा जाता है? जो चीज़ों को इंसान बना सकता है उसे हम मेन मेड थिंग्स कहते हैं.
ओके. फॉर एग्जांपल फ्रिज, वॉशिंग मशीन, फैन, चेयर्स, तो ये सारी जो चीज़ें हैं उसे इंसान बना सकता है. ओके. तो ये सारी चीज़ों को हम मेन मेड थिंग्स कहते हैं. तो यहाँ पर आपको थोड़े बहुत पिक्चर्स भी दिए गए हैं मेन मेड थिंग्स के. उसमें सबसे फर्स्ट है हाउस. ये हमें नेचर से नहीं मिलता है बट इसे इंसान बनाता है. ओके. नेक्स्ट इज कार. नेक्स्ट इज पेंसिल. यूज़ करते हो ना आप पेंसिल? ओके. हाँ, तो ये कौन बनाता है? ह्यूमन, इंसान बनाते हैं. नेक्स्ट बॉल. तो बच्चों आप सबको तो क्रिकेट खेलना बहुत पसंद होगा ना, तो उसमें हम बॉल का यूज़ करते हैं. तो वो बॉल भी क्या है? मेन मेड थिंग से उसे इंसान बनाता है. नेक्स्ट इज टेबल एंड टेलीविज़न. देखते हो ना आप टेलीविज़न? बच्चों को तो टेलीविज़न देखना बहुत पसंद होता है. ओके. तो ये जो टेलीविज़न है वो भी इंसान ही बनाता है, ये हमें नेचर से प्राप्त नहीं होता है. ओके. तो इसके भी बहुत सारे पिक्चर्स है, तो आपको मैं अभी एक के बाद एक दिखाऊंगी. ओके. तो आपको ये सारे पिक्चर्स को ध्यान से देखना है और समझना है क्यों इसे नेचुरल थिंग्स कहा गया है और क्यों इसे मेन मेड थिंग कहा गया है. ओके.